उठ जा, स्कूल का टाइम हो रहा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चे सोने ही नहीं देते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? स्कूल का टाइम हो गया, इतनी जल्दी सुबह हो गई। ओ भाई मारो मुझे, ठंड लग रही। चलो जी नींद के नाश्ते की तैयारी करते हैं। दिन का आगाज हो गया, कंप्यूटर करने का दिल ही नहीं करता। हाँ जी मैंने बड़े पतीले में इसको कर लिए, ताकि जब पतीले में फटाफट से बनाई होती है इसकी। देखते हैं दूसरे चूल्हे पे गैस आ रही है। रुको जरा सबर करो। खुर्रम ने मुझे मना कर दिया था कि मेरा नाश्ता नहीं भेजना, तो मैंने बच्चों को फिर नाश्ता दे दिया है। तो मैंने कहा अब जो पेड़े बनाए हुए हैं ये मैं खाला खाल को अपना लेती हूँ, फिर मैंने अपना बनाना था तो मैं अपने बच्चों को बनाकर दे दिया, तो अपना मैं बनाने लग गई थी। और ये मैंने सोचा कि चलो खाला खालू और मैं एक और खा लेंगे। कभी कभी तो ऐसा इंजॉयमेंट होना चाहिए कि गोभी हो और पराठे ना हो। गोभी पराठे का क्या ही मज़ा, और साथ और दही का रायता, आह स्वाद ही आ जाता है। क्या बात है, बहुत मज़े का था। देखें मुझे घर जाना है। इससे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही मैं किचन में कोई चीज़ एक उठाने लगूँ तो दम 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 करके सारी चीज़ें ही गिर जाती हैं, एक चीज़ भी नहीं बचती। मुझे लगा समीर उठ गया, मगर समीर सोया हुआ लगा। हमको सिखा दिया है मैं अपने नाश्ते की तैयारी कर रही थी, पराठे बनाने लग गई थी, खाला खालू को दे दिया था मेरा, और समीर का अब रह गया था, वो बना रही हूँ। बाय बाय टाटा। बाज का मैं सोचती हूँ कि औरत की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है कि जो किचन तक महदूद हो जाती है, किचन से बच्चे, बच्चे से किचन, मियाँ घर के बाकी अफराद। तो औरत की अपनी कोई भी एक नींव है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके। हालांकि मेरा दिल करता है कि मैं आराम करूं, मैं बैठूं, मैं अपना टाइम थोड़ा सा सो के स्पेंड करूं या कोई भी अपनी हॉबी करूं। तो लेकिन नहीं, मेरा सारा दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है। फिर भी कहता है कि काश हम बच्चे होते, हम उसी तरह ही अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते जैसे करते थे। मैं बार बार बच्चों को कह रही थी वो जाना नहीं स्कूल, जाना नहीं स्कूल। अम्मा हम तैयार हो गए, अम्मा हम तैयार हो गए हैं। अल्लाह के हवाले, अल्लाह का स्कूल। दुआ पढ़ लेना दोनों भाई, मैं कुछ कह रही हूँ। अल्लाह के जुमान, मैं तो डर गई, मिलेगा।
ये कौन उठ के आ गया, क्या है मुंह में? देखो आ करो, आ करो, आ बाल। ओ मैं क्या करूं बेटा, मैं तो अपने बालों से बड़ी परेशान हो गई हूँ। चलो अंदर चलो दादू के पास, जाने दा पास। कुकुम खाने, कुकुम खाने, बटर के साथ? बटर नहीं है, गोभी है, खाओगे? चलो। हाँ जी, समीर का कुकुम रेडी हो गया है, कुकुम लेकर जा रहा है। ये हुआ है, चलो 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 चलो। हैं, खोल दूँ? उठते साथ ही में नाश्ता चाहिए। हाँ जी, मेरी भी नाश्ते की प्लेट तैयार हो गई है। दीदी वाह दीदी। जी बच्चों के आने का टाइम हो रहा था और मैं रोटियां बनाने लगी थी कि इनके आने से पहले मैं रोटी पका लूँ, और यहाँ पे गैस का देखती हूँ कोई इशू तो नहीं है, और यहाँ पे गैस जो उसकी है ना बिल्कुल सही आ रही थी। मैंने कहा फटाफट रोटी पकाती हूँ और साथ साथ ना मैं बातों पे हंस भी थी कि इंसान की क्या ज़िंदगी है कि बस खाना पकाया, खाना खाया, यानी कि कोई और है ही नहीं ज़िंदगी। माँ को बच्चों का इंतज़ार रहता है, उसके बाद उसकी एक जिम्मेदारी शोहर की होती है जिसका उसको सुबह से लेकर शाम तक इंतज़ार होता है कि वो आएंगे तो बातें करेंगे। बाद दफ़ा ऐसा वक्त आ जाता है कि इंसान बहुत थक जाता है इंतज़ार करते करते, क्योंकि इंतज़ार बहुत मुश्किल चीज़ है। तो जिस तरह इंसान के लिए इंतज़ार मुश्किल चीज़ है, इस तरह मेरे लिए खाना पकाना बाद दफ़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा ना अपने आप को वो करती हूँ कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। तो मैं कपड़े भी जब फैलाने जाती हूँ तो मैं सुबह सुबह ही चली जाती हूँ, फिर शाम में मैं जाती नहीं कि नहीं आप लोग जाकर ले आओ। और मैं आजकल रोटी भी जल्दी पका लेती हूँ क्योंकि ना रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और जिसका बर्तन धोती ना वो हो ना ही पूछो, नौवां दी तां कोई ज़िंदगी ही नहीं है, धियाँ दी तां कोई ज़िंदगी ही नहीं है, ज़िंदगी तो मुंडियां दी है जेड़े कमा के ले आंदे, फिर लंबी लंबी तान के पै जाते कि हाए असी कमा के ले आए, हुण तुसी करो जो करना है। मुंडियो थानू भी सोच होनी चाहिए है कि औरत ने घर को भी चलाना है, यही बहुत बड़ी जॉब होती है। और यहाँ पे एक रोटी मेरे से बनने पे नहीं आ रही थी, वो उसकी जैसे मेरे से पैदाइशी दुश्मनी हो गई हुई थी, और इस दुश्मनी में वो मेरे से पकी नहीं रही थी। तो खैर मैंने कहा तुझे तो पका के आज दम लेना है, मैं दूसरी दफ़ा इसका पेड़ा बनाया और दूसरी दफ़ा ये टूट गई। तो मैं फटाफट से रोटियाँ पका रही थी कि बच्चों के आने से पहले पहले मैं फ्री हो जाऊँ। रात के बर्तन धो लिए मैंने, और मौसम तो इतना अच्छा हो गया ना, देखें ऊपर धुंध है, और मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है कि वो जो दिसंबर की ठंडी ठंडी रातें होती हैं ना, आए हाय 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 हाय। और यहाँ पे अब हम सोने की तैयारी कर रहे थे, मोहम्मद समीर को मैं बार बार कही जा रही थी फरमीर आ जाओ बाहर, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ, अब सोना है। और समीर साहब मेरी सुन ही नहीं रहे थे, क्या करें बेचारे मासूम से तो हैं। ये देखें कैसे कैसे बुलबुल आओगी से भाग के आया भाई, क्या हुआ अब्बा? किधर है? किधर किधर है? अंदर है। यहाँ पे सब टीवी देख रहे थे, कोई खुरम ने फिल्म लगाई हुई थी, तो क्योंकि आज कालू की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो उनका थोड़ा सा ध्यान हम बटा रहे थे कि इनका ध्यान वहीं लगा रहे। तो चलें जी यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।